गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू प्लस वन इंग्लिश क्लास अभी तक हम बुक हॉन बिल का सेकेंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर डिस्कस कर चुके हैं उसके एक्सरसाइज का भी कुछ पार्ट हम डिस्कस कर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अब जो थोड़ा सा पार्ट हिस्सा बच गया है एक्सरसाइज का आज हम उसे डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर है डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ एडल्ट एंड चिल्ड्रन व्हेन फेस विद डेंजर कहते जब खतरे का सामना किया है तो आपको क्या फर्क लगता है बड़ों के और छोटों की प्रतिक्रिया में मतलब बड़े और छोटों ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी है खतरे का सामना करते वक्त तो इसका उत्तर रहेगा बोथ द चिल्ड्रन एंड अडल्ट फेस द डिजास्टर विद करेज कहते दोनों ही बच्चों ने भी और बड़ों ने भी उस डिज़ास्टर उस मुसीबत का बड़े हिम्मत के साथ सामना किया है चिल्ड्रन कुड नॉट हेल्प एडल्ट इन सेविंग द शिप कहते बच्चे जो थे वो बड़ों की मदद नहीं कर सकते थे शिप को बचाने में बट लेकिन दे वर रेडी टू फेस इवन डेथ ऑल्सो लेकिन वो तैयार थे मौत का सामना करने के लिए भी सू डिड नॉट क्रिएट फर्स्ट अबाउट हर इंजरी कहते सू अपनी इंजरी के बारे में अपनी चोट के बारे में कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं करती है ज़्यादा बढ़ा बढ़ा चढ़ा करके या बढ़ा चढ़ा करके क्या थोड़ा सा भी नहीं बताती है वो अपने पेरेंट्स को उस इंजरी के बारे में एज शी डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब हर पेरेंट्स क्यों क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है बोलने का मतलब क्या है कि बच्चों का और एडल्ट का दोनों का ही जो रिएक्शन है वो बहादुरी से और उम्मीद से भरा हुआ है उस मुसीबत के समय में भी उस मुसीबत का को का सामना करने के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस क्वेश्चन आपको ऐसे टाइप में आएगा हाउ हाउडज द स्टोरी यह कहानी जो है वो किस तरह से बताती है दैट ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म आशावाद हेल्प्स टू एंड्योर एंड्योर करना होता है सहना बर्दाश्त करना द डायरेस्ट स्ट्रेस कहते हैं ये कहानी आपको किस तरह से बताती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में भी आशावाद किस तरह से हर चीज़ को झेलने में हमारी मदद करता है ये कहानी आपको कैसे ये सारी चीज़ें क्लियर करती है तो ये कहानी पढ़ करके हमें इकलौती इसी चीज़ का पता चला है कि हिम्मत और उम्मीद के साथ हम बुरे से बुरे समय में भी निकल सकते हैं अगर वो ऑप्टिमिज्म से भरे नहीं होते तो शायद वो उस आइलैंड तक नहीं पहुंचते। इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख लें वट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम सच हैजर्डस एक्सपीरियंसिस कहते इस तरह के मुसीबत भरे अनुभवों से हम किस तरह का लेसन किस तरह का सबक लेते हैं व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ जब मौत के साथ बिल्कुल हमारा आमना सामना होता है तो क्रक्स ऑफ द मैट मतलब दोनों क्वेश्चन का जो भावार्थ है वो लगभग सेम ही है इस तीसरे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आपको क्या सबक मिलता है और पहले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ऑप्टिविज्म से सारी की सारी मुसीबत को झेला जा सकता है क्या इस कहानी से आपको ये सजेशन uh, मिलता है तो नेचुरल है दोनों का जो थीम है दोनों ही क्वेश्चंस का जो भावार्थ है वो एक ही जैसा है और दोनों ही क्वेश्चन ऐसे टाइप uh, के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, के हिसाब से इसलिए हम इनके लिए एक ही आंसर लिखेंगे जो दोनों के लिए वर्क कर जाएगा बोलने का अर्थ है कि ये जो आंसर है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों के लिए सेम रहेगा सच हैज एक्सपीरियंसिस कहते इस तरह के मुसीबत भरे अनुभव वेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ जब हम आमने सामने होते हैं मृत्यु के टीचर्स द लेसन वो हमें सबक सिखाते हैं काहे का ऑफ करेज एंड ऑप्टिमिज्म काहे का साहस का, का? और आशावाद का इन द प्रेजेंट स्टोरी इस वर्तमान कहानी में अ लार्ज वेव हिट्स द शिप एक बड़ी सी लहर जो है वो आकर के शिप के साथ टकरा जाती है एज अ रिजल्ट जिसके परिणाम स्वरूप होल स्टारबोर्ड साइड स्टारबोर्ड शिप की दाई साइड कंप्लीट दाई साइड डैमेज कहते जिसके परिणाम स्वरूप शिप की जो दाई साइड है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है ओनली कबर्ड कहते सिर्फ और सिर्फ उस साइड में जो अलमारियों के लिए पार्टीशन बने हुए हैं होल्ड द स्टार बोर्ड साइड टूगेदर सिर्फ वही समेटे हुए हैं उस स्टार बोर्ड साइड को इकट्ठे अगर अलमारियों के लिए वो पार्टीशन नहीं बने होते तो पक्की बात थी कि वो दाई की दाई साइड नाव की पूरी की पूरी बह जाती बट लेकिन इन स्पाइट ऑफ सच अ बैड कंडीशन इन स्पाइट ऑफ के बावजूद कहते लेकिन इतनी बुरी स्थिति के बावजूद भी ऑफ शिप कहते शिप की इतनी बुरी स्थिति के बावजूद भी दे डू नॉट लूज होप वो उम्मीद नहीं खोते हैं दैट मीन्स वो उम्मीद बनाए रखते हैं जिंदा रहने की और बचने की लैरी एंड हर्बी ट्राइड टू पंप आउट वाटर वो ऐसा नहीं करते हैं कि हाँ स्टार बोर्ड साइड टूट गया अब कोई एफर्ट्स नहीं करनी है सब कुछ छोड़ दो अब हम मरने वाले हैं लैरी और हर्बी लगातार पानी को पंप आउट करने लग जाते हैं मैरी हैंडल्स द व्हील मैरी स्टीयरिंग को हैंडल करती है एंड द कैप्टन और वो कैप्टन जो है रिपेयर्स द शिप वो शुरू कर देता है शिप की रिपेयर करना यूजिंग कैनवस कैनवस की मदद से दैट मीन्स जो बड़ी मुश्किल चीज़ लगती है कि कैनवस से कितनी कर देर तक एक पूरी की पूरी साइड डैमेज है जिस शिप की उसको कितनी कर देर तक बचाया जा सकता है लेकिन वो सब लोग ये सब कुछ जानते हुए भी कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है वो हार नहीं मानते हैं और लगातार काम में लग जाते हैं इन डायरेक्ट स्ट्रेस बहुत ज्यादा तनाव में भी दे डू नॉट लूज होप वो लोग उम्मीद नहीं छोड़ते हैं दे कीप ऑन फेसिंग रफ वेदर और उसके बाद क्या मुसीबत होती है कि बुरा मौसम फिर वैसे ही चल रहा है कहते वो जारी रखते हैं उस बुरे मौसम का सामना करना विद द ब्रोकन शिप उस टूटी हुई शिप के ही साथ ऑल्दो द कैप्टन इज नॉट श्योर अबाउट रीचिंग द आइलैंड्स इन वास्ट ओशन कहते यदि पी वो जो कैप्टन है उसको खुद को इस बात का भरोसा नहीं है कि वो आइलैंड्स पर वो टापू पर पहुंच जाएंगे इन वास्ट ओशन उस विस्तृत महासागर में यट फिर भी ही अश्योर्स लैरी एंड हर्बी ऑफ रीचिंग देयर लेकिन वो लैरी और हर्बी को फिर भी यकीन दिलाता है कि वो लोग वहां पहुंचेंगे जबकि खुद को उसको लगता है कि इतने एक लाख पचास हजार वर्ग किलोमीटर फैले हुए ओशन में हमें वो छोटे से आइलैंड कहाँ मिलेगा खुद उसको उम्मीद उस बात की बहुत कम है लेकिन फिर भी लैरी और हर्बी की हिम्मत बंधाए रखने के लिए वो उनको अश्योर करता है उनको ये यकीन दिलाता है कि वो लोग उस आइलैंड पे पहुँचेंगे फाइनली their करेज brings them टू अ सेफ position। कहते अंततः उनका जो साहस है वो उन्हें एक सुरक्षित स्थिति में ले आता है दे रीच द आईलैंड वो टापू पे पहुंच जाते हैं विच दे हैड प्लान टू रीच उस टापू पर जिस पर पहुंचने की उन्होंने योजना बना रखी थी दिस स्टोरी इज स्टोरी ऑफ करेज एंड अन एंडिंग होप ये जो कहानी है ये कहानी ही सिर्फ और सिर्फ साहस की और कभी ना खत्म होने वाली उम्मीद की है तो ये स्टोरी हमें यही सबक सिखाती है कि साहस और उम्मीद के साथ मुश्किल से मुश्किल स्थिति का सामना किया जा सकता है इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन वाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपीडिशंस इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व अभी बड़ी नेचुरल बात है किसी के भी दिमाग में आएगी कि आपको क्यों क्या लगता है कि लोग इस तरह के साहसिक यात्राओं पे क्यों निकलते हैं जबकि उसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि इतने ज़्यादा खतरा होने के बावजूद भी लोग इस तरह का रिस्क क्यों उठा लेते हैं इस तरह की यात्राएँ करने का अवर लाइफ इज़ फुल ऑफ मोनोटनी कहते हैं हमारा जो जीवन है वो नीरसता से भरा हुआ है वी फॉलो द सेम रूटीन हम लोग एक ही रूटीन एक ही रोज़मर्रा के नियम का पालन करते रहते हैं एवरी डे हर रोज़ वी ऑल वॉन्ट सम चेंज हम सभी उस रूटीन से कुछ ना कुछ चेंज कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहते हैं बट लेकिन वेरी फ्यू हैज करेज टू डू थ्रिलिंग थिंग्स लेकिन हम में से बड़े थोड़े लोगों में वो साहस होता है कि थ्रिलिंग चीज़ें करें रोमांचित करने वाली चीज़ें करें सो so, इसलिए सच एडवेंचरस पीपल इस तरह के साहसिक लोग टेक सच एडवेंचरस एक्सपीडिशंस वही इस तरह की साहसिक यात्राओं पे निकलते हैं इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टूगेदर ख़त्म हो गया है अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट मोड्यूल में डिस्कवरिंग टट द सागा बिगिन ये मिश्र के मम्मी इसके बारे में है और कौन से मम्मी को सबसे पहले स्कैम किया गया था उसके बारे में है ये चैप्टर तो नेक्स्ट मोड्यूल में लेट स्टार्ट डैट थैंक यू